शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शाबाश, अब तुम जाओ। सिटी 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 तुम क्यों पुलिस चाचा, सिटी बज गई। हाँ बेटे, सिटी बज गई, अब तुम जल्दी से पप्पी दो। हाँ बड़ी मीठी ड्यूटी, माफ करना ड्यूटी ड्यूटी। बेटा हाथ धोए, चलो 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 चल। गुड गर्ल। मेरी आंटी। यस डार्लिंग। रोज खाने से पहले आंखें बंद करके तुम किससे बात करती हो? वो जो आकाश में हम सबके पिता है ना, उनसे दया मांगती हूँ। तुम्हारे पापा भी आकाश में रहते हैं, मेरे पापा भी वहीं रहते हैं, है ना मम्मी? चलो खाना खाओ। सच मेरी आंटी, मम्मी नहीं तो कहा था। बुलबुल रानी, अब मुंह बंद करो और खाना खाओ। मैं मुंह बंद करके खाना कैसे खा सकती? आरती बैठी रहो, कल दिवाली है, नाई ड्यूटी वाली नर्स ने अचानक छुट्टी ले ली। जी, कल शाम को एक अच्छी नर्स का ड्यूटी पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्टी साहब का कोई रिश्तेदार स्पेशल वार्ड में ठहरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि कल ड्यूटी तुम करो। जी लेकिन। मैं समझती हूँ, बुलबुल को भी साथ ले आना और रात को रेस्ट रूम में उसे सुला देना। जी ठीक है। क्यों बुलबुल? ठीक ही तो है, ड्यूटी फर्स्ट। गुड गर्ल। बुलबुल। हाँ मम्मी। चलो अपनी फ्रेंड्स लोगों को एक एक फुलझड़ी दो। अच्छा। गुड गर्ल। मम्मी फुलझड़ी खत्म हो गई, और है? नहीं है ना बेटा, और है क्यों नहीं बिटिया? ये देखो तुम्हारा पुलिस चाचा तुम्हारे लिए क्या क्या लाया है। भैया ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे आरती बहन, भतीजों के लिए पटाखे खरीदने गया था, कुछ पटाखे बुलबुल बिटिया के लिए लाया हूँ। लेकिन पटाखे तो हॉस्पिटल में नहीं चला सकते। आरती बहन, बड़े पटाखे मैं अपने घर ले जाऊंगा, और ये फुलझड़ी और अनार बिटिया को दूंगा। चलो बिटिया अपने अनार जलाएंगे, चलो बच्चों चलो। अरे जलाओ भाई जलाओ, अनार जलाओ, शाबाश। और ऊपर बेल बजाई सर। हाँ नर्स, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी वो दवा तो दे दो। हाँ। ये क्या मिस्टर कमलनाथ? तुम्हारे जैसे खूबसूरत नर्स मैंने सारे हिंदुस्तान में नहीं देखी, और फिर खूबसूरती ये मेरी
सबसे बड़ी कमजोरी है। एक इज्जतदार आदमी होकर ऐसी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। हम तो घटिया है मगर तुम भी तो कोई सती सावित्री नहीं हो आरती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4 साल पहले तुम्हारी शादी हमारे पड़ोस में हुई और कुछ ही दिनों में तुम्हें बदचलन कहकर घर से निकाल दिया गया था, करेक्ट? छोड़ो मुझे, मैं रिपोर्ट कर दूंगी। रिपोर्ट? किसको करोगी? यहाँ के ट्रस्टी साहब मेरे रिश्तेदार हैं। देखो आरती, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। आओ आओ ना। नहीं। बनती क्यों हो, मान भी जाओ रानी। आप कैसे छोड़ो? अरे जल्दी कहा छोड़ दूंगा मगर थोड़ी देर के बाद। मिस आरती, तुम्हें हॉस्पिटल से डिसमिस किया जाता है। लेकिन सर, मेरा कसूर? तुमने हॉस्पिटल में शोर मचाकर मरीजों को तकलीफ पहुंचाई। जब एक मरीज ने तुम्हारी शिकायत करनी चाही तो तुमने गुस्से में आकर उसका सर फोड़ डाला और ड्यूटी छोड़कर घर भाग। ये सच नहीं है। आई एम सॉरी, एक इज्जतदार मरीज ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, इसलिए नर्सेज एसोसिएशन में भी तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब तुम कहीं भी नर्स की नौकरी नहीं कर सकती। यू कैन गो नाउ। आई एम सॉरी, एक ब्लैकलिस्टेड नर्स हम नहीं रख सकते। जी मैं कम पैसों में भी काम करने को तैयार हूँ। ब्लैकलिस्टेड नर्स मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। अगर किसी शरीफ जर्नलिस्ट ने यह खबर छाप दी तो हमारा तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी। इतनी रात गए, तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। मम्मी बुखार में ज्यादा बातें नहीं करते, चलो ये पी लो और चुपचाप सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओ। अच्छा बेटे, मेरे पास सो जा। नहीं मम्मी, मुझे अभी बहुत से काम है, तुम सो जाओ। चंदा मामा हूँ। चंदा मामा, चंदा मामा दूर के वे पकाए बूर के, वो वाले चंदा मामा? हाँ बुलबुल रानी, मैं वही चंदा मामा हूँ। तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। बुलबुल रानी, मैं तो सब बच्चों के नाम जानता हूँ। अच्छा, तो तुम ये भी जानते हो कि भगवान जी कहाँ रहते हैं? भगवान जी? अरे बाबा, वही भगवान जी जो सांप की माला पहनते हैं। अच्छा अच्छा, शंकर भगवान? वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मैं ऐसे कपड़े पहनकर वहाँ जाऊंगी तो वो हंसेंगे तो नहीं? अच्छा अच्छा, ठहरो। Thank you.
आओ, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर पहुंचा देता हूं। बुलबुल रानी, वो रहा कैलाश पर्वत। अच्छा? सोते हो तुम, सोए रहोगे तो तुम्हारी दुनिया का क्या होगा? भगवान जी उठो। ओहो, अब तुम्हें कैसे जगाऊं भगवान जी? हाँ, याद आया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा क्षेत्र बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्ते। कहो बुलबुल रानी, कैसे आना हुआ? भगवान जी, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? धत तेरी की, इतने बड़े भगवान बने बैठे हो और ये भी नहीं जानते कि छोटी सी बुलबुल को क्या चाहिए? हा? हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानता, मुझे मालूम है हमारी बुलबुल को क्या चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। वो देखो, देखो खिलौने ही चाहिए ना बुलबुल? नहीं भगवान जी, बुलबुल खिलौनों के लिए नहीं रोती, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए? नहीं। तो वो देखो, ये सब कपड़े लोगी? नहीं। ये भी नहीं? देखो ये सब कितनी सारी मिठाइयां, तुम्हें यही चाहिए ना? नहीं भगवान जी, तुम समझते क्यों नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए बुलबुल रानी? बस हार गए। हाँ हाँ बाबा, हार गए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो पहले देख दो अपने घुटने और पकड़ लो अपने कान। लो बाबा, हार गए हार गए, बुलबुल से हार गए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी, माँ कहती है कि मेरे पापा तुम्हारे पास रहते हैं, मैं उन्हें लेने आई हूँ, मेरे पापा मुझे दे दो। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता बुलबुल। लेकिन भगवान जी, मेरी माँ की नौकरी छूट गई है, उसे बुखार भी है, अब तो मेरे पापा मुझे भेज दो। लो ये सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज मेरे पापा को भेज दो। नहीं बुलबुल, ये बात तो मेरे बस में नहीं है। हाँ, कुछ और मांग लो। तो फिर क्यों कहा था, जो मांगूंगी दूंगा, झूठे कहीं के। बुलबुल सुनो, बुलबुल क्या, नहीं बोलती तुमसे। बुलबुल 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 बुलबुल, उठ जा मेरी बच्ची, चलो उठ जाओ उठ जाओ, देखो सुबह हो गई, चलो उठो उठ जाओ बेटा। मम्मी, भगवान जी कहाँ गए? भगवान जी? अरे वो आकाश वाले भगवान जी जिनके पास में गई थी। चुप, कुछ भी बोलती रहती है। सच कहती हूँ मम्मी, मैं भगवान जी के घर गई थी, चंदा मामा मुझे वहां ले गए थे।
कहीं तू सपना तो नहीं देख रही थी? सपना नहीं मम्मी, सचमुच के भगवान जी वैसे ही थे। आप देखो कैसे चुपचाप बैठे हैं, जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। बहुत जिद्दी हैं, कहने लगे पापा को नहीं भेज सकता, और कुछ भी मांग लो। आए बड़े बुलबुल, सपने कभी सच नहीं होते, उन्हें भूल जाना चाहिए।